हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। बहुत बार ऐसा होता है कि राइटर्स जो है वो अपने स्क्रिप्ट को किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में सबमिट करते हैं या फिर उन्हें ईमेल करते हैं, तो उनके तरफ से एक सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म सेंड की जाती है। तो ये जो सबमिशन लेटर ये और रिलीज फॉर्म जो होती है, इसमें बहुत सारे राइटर्स को डाउट रहता है कि उसे फिल करे या ना करे। तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इसे फिल करने में क्या रिस्क है, क्या रिस्क नहीं है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप जरूर से देख लीजिएगा कि सबमिशन लेटर जो है जो प्रोडक्शन हाउस हमें भेजती है उसे हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक यह है कि अगर आपको सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म आती है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म जो है वो किसी जेन्युइन प्रोडक्शन कंपनी से आई है, यानी जिस कंपनी ने उसे भेजा है वो जेन्युइन प्रोडक्शन कंपनी है, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, प्रोडक्शन हाउस में जब ये भेजी जाती है रिलीज फॉर्म या फिर सबमिशन लेटर भेजी जाती है, तो उसके साथ कुछ रिस्क भी रहती है। तो अगर आप जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस में भेजते हैं तो रिस्क जो है वो ना के बराबर होती है, लेकिन अगर आप किसी फ्रॉड कंपनी में भेज देते हैं उसे साइनिंग करके, तो आपके साथ बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो सबमिशन लेटर है या फिर रिलीज फॉर्म आपको मिली है वो किसी जेन्युइन कंपनी ने भेजी है या फिर किसी फ्रॉड कंपनी ने भेजी है? तो देखिए, इसका मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। और हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस चैनल में आपको हमारे शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और हमारे आने वाली फीचर फिल्म्स की टीजर्स, ट्रेलर्स मिलेंगी, और जो फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज है उसकी भी आने वाले एपिसोड्स अब आपको उसी में देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि जो सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म आपको मिली है किसी प्रोडक्शन कंपनी के तरफ से, तो वो सबमिशन लेटर सही है और जो कंपनी है वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है, आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इसे पता करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपको सबसे पहले उस सबमिशन लेटर के फॉर्मेट को देखना है, यानी वो किस तरीके से फॉर्मेटेड है। देखिए, एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में और एक फ्रॉड कंपनी के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्शन कंपनी आपको भेजेगी तो उसके सबमिशन लेटर का फॉर्मेट ही बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, आपको देखकर ही लगेगा कि ये जेन्युइन कंपनी के द्वारा भेजी गई है। लेकिन जब भी आपको कोई फ्रॉड कंपनी सबमिशन लेटर भेजेगी तो उसके फॉर्मेट को ही देख करके आपको शक हो जाएगा। आप गौर से अगर फॉर्मेट को देखेंगे कि कैसे कैसे सब टाइप्ड है, तो आपको उससे शक जरूर हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस का जो नाम है वो बोल्ड से लिखेंगी, थोड़े बड़े लेटर्स में लिखेंगी, फिर अपना एड्रेस, फोन नंबर ये सब लिखेंगी, और उसके बाद सपोज कैपिटल स्मॉल लेटर्स इन सब का भी वो ध्यान रखेंगे। लेकिन यही सब मिस्टेक्स जो है वो फ्रॉड कंपनीज कर बैठती है, उनको प्रॉपर फॉर्मेट में करना नहीं आता है, क्योंकि वो तो फ्रॉड कंपनी है और उसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो अपने रिलीज फॉर्म को अच्छे से फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं, और यहीं पर आपको उस बात को पकड़ लेना है। अब देखिए, दूसरे एक तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी ध्यान देना है। अगर कोई जेन्युइन कंपनी रहेगी तो उनके रिलीज फॉर्म या फिर सबमिशन लेटर में आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखेगी, आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वहां नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई फ्रॉड कंपनी वहां रहती है, फ्रॉड कंपनी आपको सेंड करती है, तो फ्रॉड कंपनीज के जो सबमिशन लेटर रिलीज फॉर्म होती है उसमें आपको बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें लंबे लंबे पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, आप ध्यान से सबके स्पेलिंग्स को चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपको उसमें 8-10 स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और देखिए, मैं आपको ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने फ्रॉड कंपनीज के भी रिलीज फॉर्म्स और सबमिशन लेटर्स को देखा है और जेन्युइन कंपनीज को भी देखा है, तो दोनों में डिफरेंस मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी ध्यान देंगे कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नहीं, तो भी आप पकड़ लेंगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगी तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि जेन्युइन कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज रहते हैं, उसके सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। तो आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिए। तो ये जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो सबमिशन लेटर या फिर रिलीज फॉर्म आपको भेजी गई किसी कंपनी के द्वारा वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। तो इतना जरूरी चीज मैंने आप लोगों को सिखाया, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए ताकि सभी राइटर्स तक ये बातें पहुंच जाए। और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।